हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एवलेटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीडीएफ वगैरह या और भी जो आपको स्टडी मटेरियल है, वो एक आपको एक चैनल है टेलीग्राम पे, जिसका नाम है वेलकम यूपीएससी। आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे वेलकम यूपीएससी के नाम पे आप सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक यहाँ पे वैसे दिया हुआ है। इस लिंक के थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हो, या फिर आप नॉर्मली भी टेलीग्राम पे जाके वो सर्च कर सकते हो वेलकम यूपीएससी, तो उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह और भी काफ़ी सारे कंटेंट है वो मिल जाता है। देखो, वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पोस्ट किए जाते हैं। इसके साथ काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं दिन में जो भी मुझे ध्यान में आती हैं, मैं उनको भी वहाँ पर शेयर है वो करता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उनके आंसर भी, और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रह जाती हैं डिस्कशन में, तो उनको भी यहाँ पे कवर है वो किया जाता है। देखो, बेसिकली हमारा टारगेट ये रहता है कि जो करंट अफेयर, जो भी न्यूज़ यूपीएससी के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। बट कई बार देखो, कुछ मिस्टेक है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो भूल जाते हैं, तो उसको मैं टेलीग्राम के जो चैनल है वेलकम यूपीएससी का, यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी देख सकते हो और वहाँ पे आपको आंसर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस देशों तक था, या कौन कौन से देशों तक था। पहला है आपके सामने पाकिस्तान, ओमान, इराक, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब आपको बताना कि कौन कौन से थे यहाँ पे, मेज द फॉलोइंग में आप देखिए। तो देखो, आप एक चीज़ सोच सकते हो कि यार ओमान है वो तो आपको पता है कि एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहा है इस खांचे में, तो मतलब आप सबसे पहले तो बी को या सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। तो देखो, दो, एक तो यहाँ रहे, एक यहाँ रहे, इसका मतलब सी और डी तो इसके आंसर नहीं हो सकते। अब हमारे हिसाब से ऑप्शन बचा एक और चार में से। तो देखो, आपको पता है कि अफगानिस्तान में ऑब्वियसली था और पाकिस्तान तो था ही था, इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सेम, तो इस कहने का मतलब होगा कि यहाँ पे बी आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात यहाँ पे की गई है। तो देखो, ये एक्चुअली मैंने कल टेलीग्राम पे इवनिंग में पोस्ट भी किया था, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो कि जो मेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो वहाँ पे है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती हैं और आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम कौन कौन सी थी, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में देखो वहाँ पे आप आराम से देख हो सकते हो, क्योंकि ये मैंने वहाँ पे पोस्ट है वो किया है। तो देखो, इसके आंसर की हम बात करें तो जो भारत नेट स्कीम है वो सेंट्रली प्रायोजित स्कीम नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना है। तो बी को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बचता है यहाँ पे सी, 1, 3 और 4, तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे 1, 3 और 4 है, वो आराम से आप कर सकते हो। तो सेंट्रली जो इस प्रायोजित स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य या फिर नेलावडी बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो देखो, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि नेलापट्टू जो बर्ड सेंचुरी है, ये भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो फ्लेमिंगो महोत्सव है पुलिकट लेक में, वो यहाँ पे आयोजित है वो हुआ था। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था, तो आपको बता, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव है वो पुलिकट लेक और सुलूर पेटा मंडल के जो नेलूर पेटा बर्ड सेंचुरी में आयोजित किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि इट इज़ लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पुलिकट लेक ऑन द केरला और तमिलनाडु बॉर्डर। अब देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार आप दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, इट इज़ लोकेटेड, ये कह रहा है कि जो पुलिकट लेक है से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, चलो तो ठीक है, पुलिकट लेक भी यहाँ पे ओके है। बट यहाँ पे कह क्या रहा है, केरला और तमिलनाडु बॉर्डर, ये गलत है, क्योंकि जो पुलिकट लेक है जिसके बारे में हम जानते हैं कि पुलिकट लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पे है वो, तो कहीं ना कहीं केरला तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और यूपीएससी आज तक इसी तरीके से क्वेश्चन है वो पूछती है काफ़ी डीपली जाके कई बार, तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है वो हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी आर्टिकल है वो आया है सी विजिल 2019 के बारे में। तो है क्या, देखो आपको पता है कि जब मुंबई में बम धमाके हुए थे, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा इशू क्या हुआ था कि कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी ढंग से नहीं हुई थी, मरीन सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया गया था। यह हम बोल सकते हैं कि कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और इसकी वजह से ही काफ़ी बड़ा हादसा है, काफ़ी बड़ी दुर्घटना वो हमारे देश में हुई थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बाद में स्टेप उठाया कि भाई जो सी विजिलेंस या समुद्र रास्ते जो भी एक तरीके से अटैक हो रहे हैं, उनको हम कवर कर सकें या उनसे मतलब निपट सकें, इसके लिए उन्होंने कैंपेन चलाया और एक अभियान है, और उसके लिए अभी एक दो दिन का अभ्यास एक्सरसाइज वो चलेगी, जिसका नाम है सी विजिलेंस 2019। विजिल का मतलब यहाँ पे विजिलेंस से आप ले सकते हो, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म रखी है सी विजिल 2019, यानी कि सी विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी, मतलब समुद्र की निगरानी 2019, यानी एक एक्सरसाइज है।
अब ये याद आपको रटने की जरूरत नहीं कि 2 दिन की है 3 दिन की है, कंटेक्स्ट अभी आया है कि भी 2 दिन पहले इसको स्टार्ट है वो क्या गया था, मोटो क्या था इसका। इसका मेन मोटो ये था कि जो समुद्र के रास्ते हमारे देश में जो भी अटैक होते हैं उनके खिलाफ एक तरह से डिफेंस के अगेंस्ट हम तैयारी है वो कर सकें ताकि उनसे बचा जा सके। अब देखो ये यूपीएससी नहीं पूछने वाली कि कमांडर इन चीफ और दक्षिणी जो नौसेना कमान कोची के निरीक्षण में आयोजित वगैरह किया गया, बट एक बार हमने यहाँ पे देख लिया कि कोची है उसके द्वारा जो एक ऑर्गेनाइज है वो किया गया है। इसके साथ ही हम बात करें देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड उस एरिया को भी कवर करेगा। तो देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया कितना होता है, आई थिंक शायद 220 नॉटिकल माइल है वो होता है, मुझे ध्यान नहीं है पर शायद इतना ही होना चाहिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसको कंफर्म करके बताइएगा। और इसी के साथ देखो आपको बता दूं यहाँ पे एक सागर कवच और है। देखो सागर कवच वो इसीलिए चला गया था कि जो समुद्र है हमारा सागर है महासागर है, एक तरह से हिंद महासागर की बात यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके कवच का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, मतलब महासागर के नजरिए से हमारी सुरक्षा को सिक्योर करने के लिए ये कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सागर कवच अभियान भी चलाया गया था। मोटो मैंने आपको बता दिया कि इसका मेन मोटो ये कि जो कोस्टल एरिया के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसके साथ ही समुद्र के रास्ते से जो भी घुसपैठ होती है इसको विफल करने में काफी हेल्पफुल है वो साबित होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो यहाँ पे आया है केरियन गडियाल पुल के बारे में, केरियन गडियाल ब्रिज के बारे में। यहाँ पे देखो 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये है कि किसको किसको कनेक्ट करता है कहाँ पे और कौन सी रिवर है। देखो पहला ऑप्शन तो होगा ही कि जम्मू में, ये आपको ध्यान रखना कि जम्मू में कठुआ जिला, जिला का नाम रटने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जम्मू के अंदर जो रावी रिवर है उसके ऊपर अभी केरियन गंडियाल ब्रिज है वो बनाया गया है और ये जम्मू को, जम्मू में जो कठुआ जिला है उसको पंजाब के पठानकोट से कनेक्ट है वो करने वाला है। तो ये बस इसमें इतना ही फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी देखो जो स्टोरियाँ होती हैं वो यूपीएससी आपको पता नहीं पूछती है, हमारे लिए यहाँ पे 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी के नजरिए से देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल है कि स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डिबेट 2017-18 का 8वां संस्करण अभी है वो आया है। है क्या देखो हम देखते हैं, देखो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट है ना उसने 2011 से क्या किया कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, इसके लिए आपको पता है कि बजट है, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है, तो उसी तर्ज पे ये हुआ कि भाई जब बजट जारी किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उससे पहले गवर्नमेंट थोड़ा मोटा मोटा और व्यू दे देती है कि भाई हमारे देश का जो डिबेट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो वो कैसा रहा है, इसके लिए क्या क्या स्टेप वगैरह उठाएंगे, स्टेट का कैसा रोल रहा है, तो उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डिबेट 2017-18 का, तो मतलब 8वां संस्करण इसका रिलीज किया गया। 2011 में गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया था, ये जारी किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया वो हम देखते हैं। देखो इसमें ये बताया गया है कि जो सेंटर है ना उसका जो कर्ज है, सेंटर का जो भी आप बोल सकते हो कि डेब्ट लोन है, वो एक्चुअली 2017-18 में 2014 की कंपैरिजन में बढ़ गया है कितना, 56,69,429 करोड़। तो देखो ये डाटा तो आपको रटने की जरूरत है नहीं, देखो पर मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये डाटा वगैरह ना ऐसा आप जैसे यहाँ पे 3-4 तरह के डाटा दिया गया है, तो आप एक डाटा को जब एग्जाम होती है मेंस की आंसर राइटिंग होती है वहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे के सारे आप रटने बैठिए, बस अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा पुट कर देते हो तो थोड़ा एग्जामिनर को प्लस पॉइंट मिल जाता है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो, यहाँ पे ये साबित हो सकता है। मतलब क्या गया, पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो केंद्र सरकार का जो ऋण है, केंद्र सरकार ने जो लोन ले रखा है, देखो आपको पता है कि गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी लोन लेती है इधर उधर से, जिस प्रकार देखो स्टेट है उनको भी लोन लेना पड़ता है इधर उधर से पैसे की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लोन में 45% की वृद्धि हुई है 2014 की कंपेरिजन में, और जो स्टेट है उनके अंदर भी वृद्धि हुई है। और स्टेट की हम बात करें लोन की, तो स्टेट का लोन की वृद्धि कितनी हुई है, 63%, मतलब स्टेट का लोन है जो 2014 की कंपैरिजन में वो 63% बढ़ा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन है वो बढ़ा है 45% की दर से। और इसमें अहम बात जो एक अच्छा पॉइंट भी है, अच्छा पॉइंट देखो इसमें यह है कि जो जीडीपी है हमारे देश की वो भी इस टाइम पीरियड में बढ़ी है, तो ऑल ओवर हम बात करें तो ये एक देश के लिए अच्छी बात भी होती है। अब यहाँ पे आते हैं डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होगा कि हमारे देश का जो लोन लिया हुआ है एक तरह से कर्ज है और जो जीडीपी है इसके रेशियो। तो देखो ये मैं आपको बता दूं कि जो 2014 के टाइम की बात हम करें तो 2014 में डेप्ट टू जीडीपी रेशियो था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो था 47.5%, जबकि 2017-18 में घटकर कितना हो गया, ये 46.5%। यानी ये तो अच्छी बात है कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का घट के कम हुआ है। तो ये डाटा देखो आप यहाँ पे याद कर सकते हो, ये थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखें तो आजकल चाइना हो या चाहे अदर इकोनॉमी हो वो थोड़ी मंदी ही चल रही है।
जब हम स्टेट की राज्यों की बात करें डेप टू जीडीपी रेशियो की या ऋण जीडीपी अनुपात की, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ा है घटने की बजाय। तो उसमें देखो दिया गया कि पहले था ये यहाँ पे 22% और अभी कितना हो गया 24%, तो मतलब ये कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो अच्छा काम किया है और स्टेट है उसके द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया है, इसलिए स्टेट के अंदर डेप टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ा है, 22 से 24 हो गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप टू जीडीपी रेशियो है वो घटा है। अब देखो अहम फैक्ट यहाँ पे एक और है, वो है कि यहाँ पे एनके सिंह कमेटी, ये एनके सिंह कमेटी क्या है, एनके सिंह कमेटी देखो इसलिए आई थी कि भाई डेप टू जो जीडीपी रेशियो है ना इसको कम करना है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है, देखो इसके बारे में हम काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले तो हम थोड़ा डेप टू जीडीपी रेशियो देख लेते हैं चार साल का। यूपीएससी की बार से सिक्वेंस ही पूछ लेती है कि पिछले चार सालों में लगातार बढ़ा है घटा है, तो एक बार देखते हैं। देखो ये तो यहाँ पे तो दिख रहा है आपको रेड कलर वाला, ये तो दिया गया स्टेट का और ये दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो 2013-14 के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप टू जीडीपी रेशियो था 47 और 2014-15 के अंदर ये रहा है 47.1 और 2015-16 में रहा है 47.4। तो मतलब एक तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले तो कम हुआ है, कम हुआ फिर वापस बढ़ा। तो उसका मतलब अगर यूपीएससी ऐसा देखे कि लगातार तीन साल कम हुआ बढ़ा, तो ऐसा हमें ध्यान में रखना है। ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी की बार सीक्वेंस पूछ लेती है। डाटा रटने की जरूरत नहीं है आपको कि 47.1 है, 2 है, कितना है, 3 है, बस इतना काम चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सकते हो 2017-18 का, 2017-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप टू जीडीपी रेशियो था वो था 46.5% और जो हम बात करें स्टेट का था वो है 24%। तो बस ये आप मोटा सा याद है वो यहाँ पे रख सकते हो। अब हम बात करते हैं एनके सिंह कमेटी। देखो गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी एफआरबीएम एक्ट 2003, जिसको 2004 में इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि एफआरबीएम एक्ट है वो था क्या। देखो एफआरबीएम जो एक्ट था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था, ये इसलिए लाया गया था कि हमारे देश में क्या हो रहा था कि 2000 से पहले ये सीन हो रहा था कि गवर्नमेंट है ना बहुत सारा पैसा खर्च कर देती थी। आपको पता है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इनकम तो होती है अटनी और खर्चा करती है गवर्नमेंट रुपया, तो मतलब वो कहावत तो देने की आमदी अटनी और खर्चा रुपया, वो वाला सीन चल रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट है वो लोन लेती थी। आपको पता है अगर लोन लेती है गवर्नमेंट से, बाहर से लो या कहीं से भी लो, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, उस पर ब्याज देना होगा। अब अगर गवर्नमेंट लोन बहुत ज़्यादा ले लेगी, इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो कमाई हो रही है उसका बहुत सा हिस्सा तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना में चला जाएगा, उस लोन की किस्तें भरने में। तो मतलब क्या होगा कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो ये हो रहा था, मतलब कहीं ना हम बोल सकते हैं कि जो डिफिसिट आ रहा था, जो घाटा हो रहा था हमारे देश की इकोनॉमी को, इसको कम करने के लिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 वो आया था। और इसका टारगेट देखो स्टार्टिंग में ये रखा गया था कि 2008 तक जो फाइनेंशियल घाटा होता है जीडीपी के कंपेरिज में, उसको 3% तक रखा जाएगा। देखो अभी तक हमारे देश में जो डेप टू सॉरी जो यहाँ पे फाइनेंशियल घाटा है हम बात करें उसकी, वो है लगभग 3.2% के आसपास है, तो 3.6 के आसपास आई थिंक, जिसका टारगेट ये रखा गया कि 3.2 के आसपास रखना है। तो बट ये है टारगेट तो रखा गया था, बट इसको अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है 20 में मंदी आ गई थी 2007-08 के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी इकोनॉमी को थोड़ा लॉस है वो चल गया था, इसकी वजह से इस टारगेट को अभी तक अचीव है वो नहीं किया गया है। तो देखो जो ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था ये प्लान, ये आया था एनके सिंह समिति के बाद। मतलब गवर्नमेंट एफआरबीएम एक्ट तो ले आई, इसके बाद 2004 में एनके सिंह कमेटी आई और उसने इसको रियल रूप में इंप्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप है वो भी उठाए और एक कमेटी बनाई गई थी। तो यूपीएससी एक तो पूछ सकती है कि एनके सिंह कमेटी है वो किस रिलेटेड वगैरह, तो हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट देखो ये देखना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यूपीएससी पूछ सकती है बट में भी, कि एफआरबीएम एक्ट है वो इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो देखो ये इंडिया ने अडॉप्ट किया है मास्टरिस्ट ट्रीटी, जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर थी, मतलब यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है यूरोप का, उसके तहत इंडिया ने इसको कॉपी है वहां से किया है। तो ये ध्यान में रखना है कि यूपीएससी पूछे कि भाई इंडिया ने कहाँ से इसको लिया है। तो ये कुछ देखो फैक्ट है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आपको मैं बता दूं कि जो एनके सिंह की कमेटी थी ना, इसने ये बोला था कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इनका जो डेफ टू जीडीपी रेशियो है ना, इसको टोटली 60% तक रखना है। मतलब स्टेट का तो है वो रखना है यहाँ पे 20% और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रखना है डेफ टू जीडीपी रेशियो 40, दोनों को मिला के 40 रखना है। वो देखो आप अभी देखिए, ये तो इसका टारगेट था जो आपको ध्यान में रखना है कि एनके सिंह कमेटी का डेप टू जीडीपी रेशियो टोटल रखना था 60, जिसमें से 40% होगा स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% होगा स्टेट का। और अभी हम करंट ईयर की बात करें तो देखो क्या सीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है 46.5, मतलब 6.5% ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट की बात करें तो स्टेट का कितना होना चाहिए 20, जबकि स्टेट का है कितना 24। तो मतलब ये एक्स्ट्रा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 6.5% डेप टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा है और स्टेट का है वो है 4% हाँ डेप टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा है। तो देखो ये आर्टिकल हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, काफ़ी लंबा आर्टिकल होगा बट इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बजट में भी इकोनॉमी सर्वे में भी इसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल आएंगे, तो हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है टाइम बैंक योजना के बारे में।
देखो टाइम बैंक योजना है क्या? टाइम बैंक योजना में होता है कि आप सीधी सी बात है कि अपने टाइम की बचत है वो करते हो। ये देखो इसमें ये एक तरीके से मैं आपको बोलूँ कि वॉलेंटरी कार्यक्रम है। जैसे कि कोई भी है, मान लो कि जैसे मैं हूँ, तो मैंने क्या किया कि जो भी कहीं बूढ़े लोग हैं उनकी मैंने सेवा की, मतलब कि भी अनाथ आश्रम में गया, कहीं भी जाके वृद्ध आश्रम में जाके मैंने उनकी 5 घंटे सेवा की, तो मेरा एक रिकॉर्ड रहेगा वहाँ पे और वहाँ पे मेरा डाटा स्टोर कर दिया जाएगा कि भाई मैंने टोटल मेरी लाइफ में जब तक भी, मतलब जैसे कि मान लो 5 साल मैंने सेवा की, तो वो 5 साल में जितने घंटे मैंने, ये मान लो कि 100 घंटे मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया या लोगों की सेवा की, तो वो क्या होगा सोशल सिक्योरिटी के तहत वहाँ पे ऐड हो जाएंगे कि भाई मैंने वहाँ पे 100 घंटे हैं वो दिए हैं। अब इनकेस ऑफ फ्यूचर जैसे जब मैं बूढ़ा हूँ तो मुझे जरूरत होगी हेल्प की, तो उस टाइम पे वो 100 घंटे हैं वो मैं उनको यूज है वो कर सकता हूँ। तो मतलब तरीके से टाइम को मैं क्या स्टोर कर लूंगा और फिर जब मुझे वॉलेंटरी तौर पे जरूरत होगी उस टाइम की, तो फिर बूढ़े होने पे, तो उस कंडीशन में ये इनिशिएटिव या जो और भी जो पर्सन होंगे वो मुझे हेल्प है वो करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था स्विट्जरलैंड में और यूके में, और अभी सिंगापुर भी इसको प्लान है वो करा है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि टाइम बैंक योजना क्या है, मतलब एक तरीके से टाइम को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा किस फॉर्म में, वॉलेंटरी तौर पर हम हमारा टाइम है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से देखो हम LIC वगैरह में क्या करते हैं, धीरे धीरे हम यंग जनरेशन में पैसा उसमें स्टोर करते हैं और फिर जब जो ही मतलब एज होती है बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो उसमें हमारा सारा पैसा पेंशन की फॉर्म में मिल रहा होता है। तो वही एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हम पैसे की बजाय टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हम दूसरे लोगों की सेवा करेंगे और फिर बुढ़ापे में और तीसरे टाइप के लोग हैं वो हमारी सेवा यहाँ पे करेंगे। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कटौती प्रस्ताव कट मोशन को लेके। देखो संविधान का जो आर्टिकल 112 है उसमें क्या कहा गया है, उसमें बजट की बात की गई है, बट आप ये ध्यान रखना वहाँ पे बजट वर्ड को फोकस नहीं किया गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट राम संविधान में लिखा हुआ ही नहीं गया, अभी वहाँ पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण है वो पेश किया जाएगा आर्टिकल 112 के तहत। आप ये बताइए कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे कौन पेश है वो करता है, दोनों में काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो थोड़ी प्रोसीजर देख लेंगे एक बार जल्दी से। सबसे पहले तो होता है बजट पेश, बजट पेश के बाद में क्या होता है बजट के ऊपर चर्चा की जाती है, और उसके बाद में क्या होता है जो भी डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से अपनी ग्रांट के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, ये ज़्यादा है कम वगैरह है, उसमें डिस्कशन होती है, और उसके बाद में फाइनल फॉर्म में पैसा वो स्वीकृत होता है। तो ये तो हमने थोड़ी मोटी सी प्रोसीजर देखी। अब देखो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनको जितना पैसा मिलना है उस पर जो डिस्कशन होती है, और उस टाइम के अंदर के मेनली अपोजिशन के जो पर्सन होते हैं वो लाके आते हैं कट मोशन, यानी कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या है कि भाई ये जो बजट आप दे रहे हो इस भी डिपार्टमेंट को ये कम करना है इसको लेके। तो देखो ये हम बात करें ये 3 कारणों से लेके आया जा सकता है, 3 तरह से एक तरह बोले। पहला तो क्या है कि सरकार की नीति को अस्वीकार करने के इरादे से, जैसे कि मान लो कि अपोजिशन है वो चाहते कि नहीं नहीं यार सरकार की नीति है इसको हमें विरोध करना है इसका स्वीकार करना है, तो वो क्या करेगी कटौती प्रस्ताव लेके आएगी। बट यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कटौती प्रस्ताव को अगर पेश करना है तो स्वीकृति दी जाएगी किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, मतलब लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि कटौती प्रस्ताव लाना है या नहीं लाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक यूपीएससी पूछ सकती है कि कटौती प्रस्ताव अगर पास हो गया तो क्या लोकसभा भंग हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि लोकसभा भंग होगी या नहीं होगी। देखो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्लीज आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा होता है इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट का मतलब क्या होता है कि जो भी यह प्रस्ताव लेके आता है जो भी सदस्य है वो एक्चुअली कहता है कि निश्चित अमाउंट की भाई आप इसमें 500 रुपये कम कर दिए, 5,000 रुपये कम कीजिए, आप इसके लिए ज्यादा पैसा दे रहे हो जो कोई मतलब का नहीं है, वेस्ट हो सकता है वगैरह वगैरह। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी पर्सन जो कटौती सॉरी इनकम कट प्रस्ताव लेके आता है कटौती प्रस्ताव के तहत उसको यह बताना होता है कि ये क्यों कम करना है, मतलब जो पैसे कम करवा रहे हो ये क्यों कम करवा रहे हो, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है वो पड़ेगा। इसके बाद में एक होता है तीसरा टोकन कट। टोकन कट में क्या होता है कि भैया आप ये जो बजट लेके आए हो, जैसे मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए बजट ले हो, तो उसमें बोल दिया जाएगा कि भैया आप जो बजट है उसको 100 रुपये तक ही के लिए आइए, मतलब आपने 5,000 रुपये देने की बात की 5,000 करोड़ की, तो आप इसको 100 रुपये ही दीजिए, तो ये होगा टोकन कट। तो बस ये हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट थी उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेसिकली यही बनता है कि अगर कटौती प्रस्ताव या कट मोशन पास हो जाता है तो लोकसभा पे क्या इसका इफेक्ट है वो पड़ता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है यहाँ पे एडेलमेंट ट्रस्ट बेरोमीटर रिपोर्ट के बारे में। देखो एडेलमेंट जो ट्रस्ट बेरोमीटर रिपोर्ट है ये अभी रिसेंटली पब्लिश की गई है, और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत है वो सबसे भरोसेमंद देशों में से एक है, और इसी में ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स जारी किया गया जिसमें इंडिया की रैंकिंग है वो रही है 52%, जो कि लास्ट ईयर से अच्छी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एडेलमेंट जो ट्रस्ट बेरोमीटर है वो है क्या।
देखो यह है एक ग्लोबल कम्युनिकेशन मार्केटिंग फर्म है जिसका काम यह है कि जो देश वो ऑल ओवर वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे जो भी व्यावसायिक सेक्टर है या जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन है ब्रांड है उनके बारे में एक तरीके से ब्रांडिंग करती है, उनको प्रमोट करती है और उनके बीच में अवेयरनेस के काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो बस ये छोटा सा फैक्ट था। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है साइज इंडिया प्रोजेक्ट। देखो साइज इंडिया प्रोजेक्ट है क्या, हमारे देश में जो क्लॉथ मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CMAI है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत, उसके द्वारा साइज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। देखो जब भी आपने मार्केट से शू वगैरह कपड़े वगैरह कुछ भी लेते हैं तो आपको पता होगा आता है कि US साइज है, यूरोपियन यूनियन EU साइज है, 10 है, 11, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से, 33, 34 जो भी हम अगर कपड़े ले रहे हैं तो उसमें 33 और 34 इस तरीके से रहती है, और जब भी हम शू वगैरह होते हैं जो मतलब फ्लिप फ्लॉप या जूते वगैरह कुछ भी बोला आप उनमें रहती है साइज 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। तो देखा कि यूरोप की साइज अलग होती है, US की साइज अलग होती है, तो उसी तरीके से जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया की साइज बना रहा है, मतलब इंडिया का भी खुद की साइज होना चाहिए ताकि इंडिया के जो कस्टमर हैं वो उन साइजों को फोकस करें। क्योंकि देखो US की जो साइज होती हैं वो अलग होती हैं और UK की साइज अलग होती हैं, इसलिए उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, इसमें सर्वे किया जाएगा हमारे देश में ऑल ओवर में जगह जगह पे, और ये पता किया जाएगा कि भाई कौन कौन सी साइज है वो हमारे देश में कॉमन है और फिर उनके आधार पे कपड़े तैयार है वो किए जाएंगे। अभी क्या होता है हम यूरोपियन यूनियन की बात करें फिर US है उनके UK स्टैंडर्ड को फॉलो करके कपड़े मार्केट में बनाते हैं फिर उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। अगर ये इंडियन साइज है, साइज इंडिया बना दी जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कपड़े वगैरह जो भी सूए जो भी मतलब इस तरीके की आइटम्स हैं जो कि साइज़ के आधार पर आती हैं वो फिर इंडियन साइज़ में होंगी, तो फिर इंडिया के मार्केट में तो कपड़े वेस्ट नहीं होंगे। क्यों, देखो जिस तरीके से होता है ना कि मार्केट में हम जब भी शोरूम में जाते हैं तो जैसे कई बार होता है कि मिडिल की डिमांड ज़्यादा होती है, XL कपड़े पड़े ही रहते हैं, वेस्ट चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग वो फोकस करेंगे कि भाई मैक्सिमम कपड़े की डिमांड इन्हीं साइज की है तो उन्हीं को ज्यादा बनाया है वो जाएगा। तो यह साइज इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट यहां पे जो आर्टिकल है वो है एरो 3 इंटरसेप्टर सिस्टम के बारे में। देखो यह एक मिसाइल सिस्टम है जो कि बनाया गया है, आपको बता दूं, इजराइल और US के द्वारा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इजराइल और US का यह सिस्टम है, इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। यह क्या काम करेगा, बहुत ही ऊंचाई पे मतलब हाई जो एल्टीट्यूड है वहाँ पे मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है, और इससे उम्मीद की जाती है कि जो सेटेलाइट है उनको भी ध्वस्त किया जा सकता है। तो एक तरीके से इसको कहा जा रहा है कि एरो 3 है वो एंटी सेटेलाइट वेपन के तौर पे भी काम है वो कर सकता है, तो इसके ऊपर चिंता भी व्यक्त की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एरो 3 है क्या, UPSC पूछ सकती है कि कोई तोप है, बम है वगैरह क्या है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019। देखो यह जारी किया गया है INSEAD बिजनेस स्कूल और इसी के साथ ही टाटा कम्युनिकेशन एंड एडिको ग्रुप के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंकिंग रही हुई 80, इंडिया का मतलब इसमें 80वां स्थान मिला है। और हम बात करें कि इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, देखो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह बताया गया है कि इंडिया के अंतर्गत जो प्रतिभा जो टैलेंट है ना उसको आकर्षित करने और इसी के साथ ही उस टैलेंट को बनाए रखने की जो कैपेसिटी है जो क्वालिटी है ना इसमें काफ़ी रिफॉर्म किया, इसमें काफ़ी सुधार की जरूरत है वो है। और हम ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो इसमें चाइना की 45 रैंक हो रही है, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज में चाइना सबसे ऊपर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट देखो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है इस महीने, तो उन सबको हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।